अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये इस वक्त हमारे पास होंडा सिविक जापानी गाड़ी एक आई है। इसमें दो किस्म की गाड़ियां होती है, एक पाकिस्तानी है और एक जापानी होती है जो कि हाइब्रिड होती है। जापानी, ये जापानी हाइब्रिड गाड़ी है और इसका कलर भी पर्ल वाइट होता है। ये एक्सीडेंट हमारे पास इस वक्त वर्कशॉप में आई है और हम इसके जो इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि आप गाड़ी देखें कि किस तरह किस्म की लगी हुई है। जापानी होंडा में एक इस किस्म का एक फ़ायदा है, जापानी और पाकिस्तानी दोनों होंडों में एक ये फ़ायदा है कि अगर ये गाड़ी लग जाती है तो इसका जो आगे का रीटर सपोर्ट होता है वो डैमेज होता है, जो कि नट बोल्ट पर होता है। तो जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं, हम इस वक्त इसको काम के लिए यहाँ पे लगाएंगे। इसमें बोनट वगैरह इसका जो है, हुड लाइट, बम्पर रिफोर्समेंट, रीटर सपोर्ट, रेडिएटर जो डैमेज हो चुके हैं इसके, और इसके जो हुड के इंजस है वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसके जो फ्रंट गिलास है वो भी डैमेज हो चुका है। तो गाड़ी जो आपको लग रहा है कि देखें काफ़ी डैमेज है, और इस वक्त जो ये छोटा डैमेज भी है तो इसमें जो ना क्या नाम है, इस काफ़ी ख़र्चा इस पर और आएगा गाड़ी के ऊपर। तो इसमें हम इसका हुड चेंज करेंगे। इसमें बम्पर है, बम्पर ग्रिल है, और जो हेडलाइट वगैरह उसके टूटे वगैरह होंगे वो भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हुड खोल चुके हैं। इसमें ये सामने आप रेडिएटर सपोर्ट को देख रहे होंगे कि ये इस वक्त जो डैमेज है, और ये ओरिजिनल जापानी गाड़ी है, ये ओरिजिनल जापानी गाड़ी है हाइब्रिड या बम्पर के लिए। लेकिन इसमें आप एक ये भी आपको फ़ायदा है इस जापानी गाड़ी में हाइब्रिड में कि इसका जितना सामान है सब पाकिस्तानी गाड़ी का इसमें यहाँ पे लग जाता है, और जापानी का पाकिस्तानी गाड़ी में लग जाता है। इसमें फिटिंग हो जाती है, रेडिएटर सपोर्ट, रेडिएटर रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह। ये आप छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं जो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डैमेज जो है जो हम इसको खोल रहे हैं, ये हम लोगों ने चेंज करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सामान जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं वो लाजमी चेंज करनी, जैसे कि ये सारे सामान जो हमने यहाँ पे सेट भी किया हुआ, ये सारा सामान हमने रिप्लेस करना है। और ये रीटर भी आप देख रहे हैं कि जैसे रीटर भी इसका ये जो डैमेज आपको नज़र आ रही है, छोटा सा डैमेज है, लेकिन इसमें से गैस जो है वो लीक हो चुका है, और जो रिफोर्समेंट वगैरह है, रिफोर्समेंट इसका बच चुका है, रिफोर्समेंट चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका हमने हुड चेंज किया है और हम लोगों ने सामान वगैरह जो है वो लगा चुके हैं। वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें जी, तो जनाब इसमें हम लोग हुड वगैरह लगा चुके हैं और हेडलाइट वगैरह फिट कर चुके हैं, पेंट हो चुका है। पेंट की वीडियोस वगैरह हमसे मिस हो जाती हैं क्योंकि काम में मसरूफियत की वजह से हम मुकम्मल वीडियो नहीं कर पाते, और हमारे व्यूअर्स जो होते हैं वो हमसे मुसलसल ये शिकायत करते हैं कि आप मुकम्मल वीडियो जो है वो नहीं कर पाते। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गाड़ियों के हम लोग मुकम्मल वीडियो कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आने कुछ वाली कुछ वीडियोस जिसमें हमसे कुछ जो मिस्टेक वगैरह या कोताहियाँ हुई हैं वो हम इंशाल्लाह आपसे निकालने की कोशिश। जी तो जनाब ये गाड़ी तैयार है इस वक्त, और बस शील्ड वगैरह का काम बाकी है, बिल्कुल मुकम्मल गाड़ी तैयार आपके सामने, और गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर का मैचिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त आया है। गाड़ी के गैप वगैरह, हालांकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें जो बोर्ड वगैरह है वो ताइवानी लगाए जाएँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इसकी काफ़ी सील्स वगैरह और हर चीज़ माशाल्लाह सब सही आए हैं। तो आपने जो हमारी वीडियो देखी इसके लिए शुक्रिया।